नमस्कार, मैं हूं निशिर दुबे। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। तो असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा आज खूंटी लोकसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे और सरमा रांची जिले के तमाड़ के रायडी मोड़ स्थित अमलेसा मैदान में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, लोकसभा प्रभारी रविन्द्र राय, एनडीए प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, खूंटी जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर गुप्ता, रांची जिलाध्यक्ष सुरेंद्र महतो भी मौजूद रहेंगे। अब सीधे चलते हैं तमाड़, जहां सुदेश महतो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। नाम बहुत है, बहुत है रोले के लोग हो गिला ही रोला और रो एक गठबंधन के नाम दे के ही आवला आते। अब बताओ, हमरा ठीन तो एक नेता है, एक साधारण परिवार ने बढ़ाई के देश के प्रधानमंत्री पद बनावला। वो नेता हमर स्पष्ट है, हमर कोने अगवा है तक, हमर प्रधानमंत्री को चेहरा कोने है तक, हमरा सब का जानियो। जानियो कि नहीं जानियो हमरे जानियो कि नहीं प्रधानमंत्री कोने बनता, कोई के जानियो कि नहीं। हमरा वोटले प्रधानमंत्री कोने बनी के बनबे नरेंद्र मोदी पूरा को कोने बनता। इटा हमर घरे घरे सब लोग जानो, सब लोग जानो। यदि हमरा एनडीए के वोट दियो, फूल छापे वोट दियो, तो प्रधानमंत्री कोने बनता? जोर से बोलो। एबेर बताओ, जरा वोट मांगे हथिन, जरा विपक्षे वोट मांगे हथिन, मोके कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के चलते जरा वोट मांगे हथिन और आ कोही दो दड़ाई के ओकर कोने बनते प्रधानमंत्री? पता है कोनो? कोनो पता है? तो अन्याय कौन कर रहा? अन्याय वही करे कि कोने बोर है तक उठाई नहीं बताई दे। बारात रेडी करे थी, बारात रेडी है जा, बारात जाएगा। अरे बोर के कोने है तक इतना बताओ तो बोर एक चयन है नहीं के दूल्हा का चयन है नहीं, दूल्हा का पता नहीं है, बोरे का तो पता नहीं के। अगर कोई एक वोट देवेगा एक तो रखे वो एक संविधान बचाएगा। संविधान का खतरा कोने बोल लग भाई? संविधान के खतरा मान कोने डाल ले? कौन कोला कि मुझे संविधान कोने की ने गरम करके अचानक नीचे ले तो ही करी के गावे बाजना बचाओ लगला। कुछ लोग तो ऐसा है समाज के अंदर में तुष्टिकरण कर राजनीति हम लगातार बोल रहे। कांग्रेस ये काम पेशेवर रूप से किया है, कांग्रेस लगातार एक समाज को तुष्टिकरण के नाम पर पढ़ने संभलने नहीं दिया। आज तक कहीं ना कहीं वो समाज को एक घेरे में एक दायरे में सीमित हो गया। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस मिलकर अब हमारा जनजातीय समाज के ऊपर भी इसी तरह का सोच रखता है और तुष्टिकरण के लिए इसी तरह का नया नया कोई कोई बात समय समय में उठावत और चुनाव समय रख पता चले। कोनो दोष है तो कोनो दोष हासिल है, चुनाव समय पता चले न रखे और समय को होता और 13 तारीख बाद पूछ नहीं दिखाते। 13 तारीख के बाद ही आदमी और व्यक्ति का नजर नहीं आएगा, कोई कहीं नहीं कहीं नजर नहीं आएगा। तेरा कितने दिन है तेरा बाइना धरो, तुम्हें कहे बाइना धरो, बाइना धरो तो वही बार क्या बाइना आते तोरा पहले ही तो करो ती बारे हे रख बाइना धरो लियो जैसन बाइना पाइकार लियो लोग ते बाइना धरला ओकरे गीत गाओ तक। तो कुछ लोग हमर भीतर सुना जरा बाइना धरी चुकला गीत ओकरे गाओ अतला। हमरा ये तमाशा नहीं है, ये राजनीति है और राजनीति को मौलिक सबले बोलो अधिकार के जोन तक प्रयोग करेगा है। हमरा के गंभीरता को साथ भारत और भारत को नेतृत्व का कर हाथे देबे इठक विचार करे कर जरूरत के मोर आग्रह है। तोर सब घर द्वार जाई के कल अंतिम दिन है के अपन व्यवस्था कर लोग के पूछ कि देश कोने चला पड़ता है। ये चुनाव का प्रधानमंत्री चुनाव है के एक और बादे चुनाव है तक तोरा विधायक चुनबा, एक और बादे चुनाव है तक तोरा पंचायत चुनबे, मुखिया चुनाता, प्रमुख चुनाता, जिला परिषद चुनाता। तीनों चुनाव पर अपन अपन मतलब है कि मुखिया काम अलग है और दायरा अलग है, विधायक को काम दायरा अलग है, उसने जरा ऊपर जाता और दायरा अलग है। हमारा सौभाग्यशाली का है कि 14 जीत के जाता, 14 लोग यहाँ ले जाता, लेकिन 14 लोगे एक लोगे को तो गारंटी है, उठा खूंटी कर गारंटी है कि जाता एरा तो एरा जाके मंत्री बनता, इसका तो गारंटी है। सबसे बड़ा सौभाग्यशाली कि उसमें भागीदार कौन बनेगा, उस सबसे बड़ा भागीदार कोई बनेगा तो देश का 10% पूरा जनजातीय नेतृत्व करने वाला हमारा अर्जुन मुंडा उसका जगह भरेगा। ये तैयारी हमारा, वो जगह यही भर सकते हैं और इसका अधिकार रखते हैं। और ये अधिकार तो रखो है तो बहुत सारा मामला है, किछु लोगे अपन कैसे कैसे तुष्टिकरण कर चलते समाज के कखनो कखनो अलग और भटका काम करते।
जे कोनो बिचारा है, जे कोनो बात है, समाज हमरा चलते, राजनेता चलते, सब समाज बराबर है, हमरा चलते हर समाज बराबर है, और हर समाज के और पक्षमान खड़ा होना हमरा दायित्व है, हमरा कोशिश है, हमर कोशिश है सामाजिक दायरा महान कोनो विवाद विवाद कोनो है तो उठाकर सही जगह महान सही प्लेटफॉर्म महान हॉल बढ़ाओ जाते और रास्ता बढ़ाओ जाते, लेकिन समाज को भटकाओ ये बर्दाश्त नहीं होगा, समाज भटके नहीं पा रहे, गलती नहीं करना चाहिए, गलती नहीं करना चाहिए, और एकजुट है कि हमरा के सबके पहल करना चाहिए, ऐतिहासिक वोट करना चाहिए, कोई तरीके हमरा वोट के 13 तारीख कोई नंबर हमरा चुनाव चिन्ह अच्छा तोरा सब जाने, तोरा सब जाने अगला बार जिताने वाला कोने रहो, 6टा विधानसभा चुनाव है रहे, लेकिन अर्जुन बाबू के दिल्ली पठाने वाला कौन है, एक लाख पहुंचाते के नया पीढ़ी नया सोच, नया पीढ़ी नया सोच, नया तरीका मान सब के आवा, हमरा को कठिनाई कोंटी नहीं गेले क्योंकि राज्य सरकार अनुकूल नहीं थे, यदि राज्य सरकार अनुकूल रहते लेकिन हमरा तकलीफ नहीं हेतली, राज्य सरकार किने कही के आओ रहो, हमरा आओ स्थानीय नीति बनाओ, हमरा आओ नियोजन नीति बनाओ, हमरा आओ विस्थापन नीति बनाओ, कोनो नीति बनले कि ना, कोनो नीति बनले कि ना, आरक्षण कर बात करो बताओ, आरक्षण आरक्षण यदि चाहले राज्य सरकार एखन ये फ्रीडम भारत सरकार दिया है, ये आजादी दिया, ट्रिपल टेस्ट करा के आरक्षण का निर्धारण राज्य सरकार कर सकता है, बिहार नीतीश कुमार जी ने किया कि नहीं, नीतीश कुमार ने किया कि नहीं, नीतीश कुमार जी ने किया, यही कि नहीं करवा, खेल खेलला मेरा, खेल कि नहीं खोला, हमारा भारत पठाई दियो, यही काम करते थे जो झारखंड राज्य को लड़ाई चले हेले तक तो यह काम को रहला एमएलए एमपी तैयार करे पर 93 पावला झारखंड के बेची दला, अब वही चरित्र फिर से हावी हो गया है, आइए जे लोग तय हमरा के राज दला, राज कौन दिया है बोलो, ईमानदारी से कौन दिया, लड़ाई आप लड़े लड़ो ले अब तोरा, लेकिन तोरा के लड़ाई का आशीर्वाद कौन देले, कौन देले, ईमानदारी से बोलो, ईमानदार कौन है, कांग्रेस ईमानदार है कि भाजपा ईमानदार है इस मामले में, हमारा राज के प्रति 100 साल का आंदोलन को आशीर्वाद अटल बिहारी वाजपेयी से प्राप्त हुआ है, उन्होंने दिया आशीर्वाद देला है, राष्ट्र चिंता रहे हम चिंता रहे तो वजह के राज पा लियो, और यदि कांग्रेस को राज रहा था 100 साल बाद के राजनीति देला, इसलिए जे देला है वही पावता, जे हम हित काम कर रहा है उसका मौका है वही पावता कोई, और हम लोग तैयारी हेते आने वाला समय तो रहेगा, 2टा परिवर्तन करेगा, 1टा पेचू दिखे हमारे विधानसभा महान एक चूक है गले इबार चूक करेगा नहीं हमरा के रिकॉर्ड करेगा है, और डबल इंजन एक काम है थे कि आपको विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आए, एकदम मिली के काम करो पर तरीका ही काम करो, हमरा को 55 साल तक राज करने वाला है, ये कालीचरण बाबू भी तो रहे हैं यहाँ से विधायक रहे हैं कि नहीं, दो बार एक और निशानी बताई दो भाई, दो बार रोले तो कोनो निशानी है ना, कोनो गावे कोनो ठीक निशानी हो दला ठीक कि ना, एक भी निशानी तक नहीं है बाबू, आप गांव में ओइनो गांव जाइए तो ओइनो विचार, हमारे गांव जाइए तो अपन विचार, बड़ा गेम एकदम अच्छा से चल रहा है, अच्छा से चल रहा है पूरा, हिने गेले के कहीं किना कहनी कहे गए ओइनो दिखे गेले किना कहनी सुना गए, पूरा शानदार काने पढ़ाई चल लगला है, मैं आग्रह करवन विनती आई तो एक बेटा कर विनती आई कि जे लोग तो शक्ति रहते जे लोग तो राजसत्ता मान बसता ओकर ठिले हमरा के काम बरा गई, चाहे कोनो काम हो जोनटा हमर अटकल है ओठिले हमर बराती, और हिया कर विकास हमरा कर प्राथमिकता है की हमरा नामे अगुवायो भगवान बिरसा मुंडा कर जाएगा के रिकॉर्ड है लेकिन कि प्रधानमंत्री आके हमर माटी के गोड़ लगी के गला है, ये पहली बार हुआ, हम खूंटी में भी बोले थे प्रधानमंत्री राजीव गांधी और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी खूंटी आई, लेकिन ओरा कोबो वोट कर भरमन करला वोटर संग भेंट करला कोबो बाबा कर गांव जाके ओकर गांव कर हालचाल या माटी टके गोड़ लगे काम निकले, प्रथम बार हम लोग मोदी सरकार और मोदी जी पहली बार गए, पहली बार हमारा सम्मान जनजातीय दिवस पूरा देश में, पहली बार 15 नवंबर को जनजातीय दिवस घोषणा की है, अब 15 तारीख पूरा देश भर में मनाता, ये देश भर में मनाता है तो लगातार चल लगला है, अभी बोल रहे आज एक तो अखबार में देखे राजा और गरीब को लड़ाई है के। राजा और गरीब को लड़ाई है के। तो राजा कौन है और गरीब कौन है, राजा कौन है ला जाकर घर ले राजा पैदा हो, ये देश महान गांधी परिवार
जोटा के हमरा राजा परिवार कही हो चुकी परिवार क्यों जन्म लेता क्यों जन्म लेता तो प्रधानमंत्री बनता ये परंपरा बन रहा है ना वो परिवार जन्म ना माने प्रधानमंत्री बनना यहाँ सोरेन परिवार ये परिवार जन्म ना माने मुख्यमंत्री बनना माने ओराक विकास टाइ तोराक विकास है कौन सोरेन परिवार कर विकास टाइ हमर जनजाति विकास है यही मापदंड है वो मापदंड को कौन तोड़े मोदी जी ने तोड़े है एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन के दिखा दिया ये पहली बात ये टूटा है ये परंपरा टूटा है लोकतंत्र महान राजशाही व्यवस्था नहीं चलेगा राजा ले बराय के प्रजा कर हित महान निर्णय लेने वाला नेतृत्व कथा कहलाता अब तरक सब का है जो मानुष गिला जो ना तो या हम जरा रिकॉर्ड बना एक बात करे यार बनते कि नहीं दीदी बनेगा कि नहीं तोरा भिंजोला या सब का है मोई दुखिया हो आप तोरा जितना टी तकलीफ खलाया इटा विश्वास है कि आने वाला किछु दिन निश्चित है तोरा जे जेटा राजनीति मान तोरा घर ले बरला या घर से निकले तो आपका भी सपना मानुष से ऐसे ही भट्टी नहीं देते ओयो सोचस की काम टा को छिले करेगा है ई काम टा हमरा के बनाओगा है हर मानुष से एकटा सपना है वोट कर पहले पर छोटो ले छोटो बड़ो ले बोलो हर गांव परिवार का सपना है आवा ई सपना के संजो के वार्तालाप बातचीत के सांगी करेगा है तोरा बीचे रहे तोरा का भाव किना हालत कि हमरा नेता मोर बीचे नहीं रहला ये अभाव रहा है ये अभाव को हम लोग दूर करेंगे त्रुटि कोनो है परे ये त्रुटि दूर करेंगे कैबिनेट में भी बैठेंगे तो मुंडा जी को जरूर बोलेंगे कि हमरा को राते जाते राइडी मोड मान बोसना जरूरी है के लोग के सुनना जरूरी है के जनता दरबार लगाना जरूरी है के ये सुनिश्चित करने का काम और ये दायित्व तो हम लोग मुंडा जी को देंगे ताकि हमारे लोगों को कोनो भी तकलीफ है ओकर संग बातचीत करे पारो इतने भी खाली अभाव और उसी का कमी कर दिए उसी का दिक्कत और परेशानी लोग तैयार किए हवा ऐसा लोग गिला के चिन्हित करे के ऐतिहासिक वोट करे पारवा ना पारवा की नहीं भाई तुम्हारे परवा तो एकदम इतना मीडिया है कोई दर परवा ना एक लाख पार है ना और सोबले सांगी वोट देने वाला तमाड़ बनते ना मुंडा जी के सोबले सांगी वोट दे के यहाँ पठा पारवे ना हमरा एक बार जोरदार को एक बार जोरदार को जोरदार है तो एक लाख अब की बार सीखे थे हमरा को नारा सीखे थे हमरा को अपन बात तोर विवाद मान हमरा के हिस्सा ले थी महिला शक्ति प्रथम बार घर ले बढ़ाई के घूंघट ले बढ़ाई के ताकत दे काम कर लियो आवाज सबका है गांव पर एक एकल समाज नहीं हमर दो समाज है गला महिला पुरुष दियो पर संवाद ले हमर समाज चले हमर जागरूक करिया आके ई एरिया को मान्यता है ये एरिया को मान्यता को आधार मान तोरा सब का अपन काम करबे रिकॉर्ड वोट करबे इतने कथा कोई के सब के गौर लगे के अपन बात अंत करो हम धन्यवाद जोहार जय गांधी पानी पड़ा कमल के बहुत ही विस्तृत रूप से हम लोगों को बताने काम किए कि वोट क्यों जरूरी है बदन में तेरा मुस्कुराना कि बिजली के ऊपर से बिजली गिरा तो आप सब बहुत भींगे हुए हैं अभी हमारी बात हुई जो मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ आसाम के मुख्यमंत्री आने वाले थे वो बोकारो में है हेलीकॉप्टर उड़ नहीं रहा है वो अभी स्पीकर में है आपको दो शब्द संबोधित करेंगे उसके बाद फिर हम आपको संबोधित करेंगे तो हेलो हाँ हाँ दीजिए हाँ हाँ सुन रहा हूँ हेलो विश्व शर्मा जी मैं बोल सकता हूँ हाँ बोलिए बोलिए भाइयों और बहनों मैं गुवाहाटी से आसाम से आए थे आपका साथ मिलने के लिए लेकिन वेदर खराब हो गया बोकारो से मैं आगे चलने में असमर्थ हुआ तो इसलिए आप लोगों का साथ में आ नहीं पाया
मेरा एक निवेदन है, अर्जुन मुंडा जी झारखंड का तो नेता है ही, लेकिन हमारा पूरा देश का आदिवासी समाज का अर्जुन मुंडा जी हमारे नेता है। जैसे झारखंड का आदिवासी समाज का कल्याण के लिए वो काम करते हैं और असम में भी जाते हैं और हमारे आदिवासी समाज के लिए भी वो काम करते हैं। हमारे आप लोगों को मेरा निवेदन होगा कि आप अर्जुन मुंडा जी को जिताइए, देश का आदिवासी समाज का कल्याण के लिए, हमारा देश का कल्याण के लिए आप अर्जुन मुंडा जी को वोट दीजिए। हमें सब मिलके मोदी जी का सरकार बनाना है और मोदी जी का सरकार बनाने का बाद झारखंड में भी हमें बीजेपी का सरकार बनाना है। जब मोदी जी का राहुल इंजन सरकार बनेगा तब झारखंड का भी कल्याण होगा और पूरा देश का कल्याण होगा। आज आप देख रहा है झारखंड में क्या चल रहा है। थोड़े दिन पहले मैं टीवी में देखा कि एक मंत्री का सचिवों का घर से ही 35 करोड़ रुपया का पुलिस बरामद करता है, ईडी बरामद करता है। अगर एक मंत्री का कर्मचारियों का पास 35 करोड़ होता है तो मंत्रियों का घर में कितना होगा, मुख्यमंत्रियों का घर में कितना होगा, आप तो सोच सकता है। इसलिए हमें झारखंड में जो करप्शन है उनका खिलाफ काम करना है, करप्शन बंद करना है, गरीबों का कल्याण करना है। और अर्जुन मुंडा जी जब एमपी बनेगा, नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनेगा, मेरा विश्वास है थोड़ी ही दिन में झारखंड में भी बीजेपी का सरकार बन जाएगा। आज आप लोगों ने देखा है कि आदिवासी समाज का सामने बहुत बड़ा प्रत्याहवान है, कन्वर्शन का एक मामला है। हमारे आदिवासी इलाका में बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं, आदिवासी हमारा बहनों को शादी कर लेते हैं, फिर आदिवासी समाज का जो जमीन है, आदिवासी समाज का जो अधिकार है उनका ऊपर भी कब्जा करता है। हम असम में बांग्लादेशी घुसपैठ देख चुका हूँ। आज असम का 40% आबादी बांग्लादेशी घुसपैठी है। पश्चिम बंगाल में भी वही हालत है। हम झारखंड में वो हालत होने से हमको रुकना है। अगर झारखंड में भी ऐसा हालत हो जाएगा तो हमारा भविष्य कुछ नहीं रहेगा। फिर हमारा झारखंड में जितना कन्वर्शन चल रहा है उसका खिलाफ भी हमें आवाज उठाना है। हमारा देश में बीजेपी का सरकार बनेगा, झारखंड में डबल इंजन का सरकार बनेगा और हम लोग सब मिलके झारखंड का कल्याण के लिए, झारखंड का अस्मिता के लिए और झारखंड का विकास के लिए हम लोग सब मिलके काम करूंगा। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध होगा कि अर्जुन मुंडा जी को जिताइए, देश को जरूरत है अर्जुन मुंडा जी को, देश का आदिवासी समाज को अर्जुन मुंडा जी को जरूरत है, झारखंड को अर्जुन मुंडा जी को जरूरत है। आप लोग जरूर कमल का टीम में बटन दबा के अर्जुन मुंडा जी को जिताएगा, ये मेरा विश्वास है। चुनाव का बाद अर्जुन मुंडा जी का साथ मैं दोबारा आपका क्षेत्र में आऊंगा, आप लोग से बातचीत करूंगा और आप लोग से मेरा जो आज जो मोबाइल में बातचीत हुआ वो बातचीत यही सीमित नहीं रखते हुए मैं आगे आपको आगे आपसे बात भी करूंगा, मिलूंगा भी और मैं आप लोग को आमंत्रण भी करता हूँ। जब भी समय मिलता है कभी असम में भी आइए, असम में भी बहुत आदिवासी लोग हैं, आप लोग को मिलने से सारे लोग खुश हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। नरेंद्र मोदी जी का थैंक यू मिस्टर शर्मा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद समाज की जनता की ओर से। थैंक यू, थैंक यू। तो आज मौसम अचानक से बदल गया तो हमें ऐसा लगता है कि तमाड़ की जनता के लिए
और खूंटी संसदीय क्षेत्र के जनता के लिए सगुन की वर्षा है और ये सगुन की वर्षा स्वाभाविक रूप से एक कमल की फूल यहां से खिलाएगी और पार्लियामेंट भेज करके नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। सही है कि नहीं है? मुझे इस समय में ज्यादा बात कुछ कहना नहीं है, मैं कुछ नहीं कहा कहे कि इतना बस आहे कि हमारे बुझे कहे कि आप जे झारखंड और देशे जे राजनीति चलोते जे भावे झारखंड के लूटो और काज लूटो मैंने लूटे कर है ऐला हमारे मंत्री भी कहला मुख्यमंत्री आसाम के कि मंत्री का पीए का ये हालत है तो बाकी का क्या हालत है, बाकी मंत्री का क्या हालत है। तो ये जो हालत है इसके लिए झारखंड बना था क्या कि हमारे बच्चों का मुस्कुराहट आए इसके लिए बना था? तो ये जो धंधा चल रहा है ये धंधा बंद होना चाहिए और झारखंड के तमाम लोगों को विकास के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, हर घर में मुस्कान होना चाहिए। आज प्रधानमंत्री यही चाहते हैं कि हर राज्य प्रगति करे, लेकिन उसके खिलाफ में अभी सुदेश बाबू ने कहा उसके खिलाफ में प्रचार कर रहा है कि ये इतना एकड़ जमीन बैंक में डाल दिया। कौन बैंक में डाल दिया जरा बताओ, इतना एकड़ जमीन हम बार बार आकर के बोल रहे हैं एफआरए को इम्प्लीमेंटेशन करो, जो एफआरए में ट्राइबल विलेज जैसे ये गांव है, ये गांव का ये जंगल है, ये गांव आदिवासी का हो या नॉन आदिवासी का हो किसी का भी हो, ये जंगल का मालिक ये गांव वाला है, ये गांव का जंगल है, गांव वाले का जंगल है। ये अधिकार भारत सरकार लगातार हम मॉनिटर उसको कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से कांग्रेस ने इसको होने नहीं दिया। कानून कानून के जैसे कागज में पड़ा हुआ है, हम लोग इंप्लीमेंट करते हुए कैसे लोगों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने का काम तेजी के साथ नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में कर रहे हैं। देश भर में काम हो रहा है, लेकिन चूंकि यहां के लोग सरल है, यहां के लोग सहज है, जैसे एक कोई आता है बोला वोटर कार्ड जला दो, आईडी कार्ड जला दो, राशन कार्ड जला दो, सब मिलकर जला दिया, और जो जलवाया वो अपना नहीं जलाया, वो चुनाव लड़ने के लिए नॉमिनेशन कर दिया। ये हालत है, तो इसलिए समझने का जरूरत है, देखने का जरूरत है। और ये सारे लोग आज जो कांग्रेस के नेता लोग ये ऐसे ही मंत्रियों का जनता का लूटा हुआ पैसा से चुनाव लड़ करके जब चुनाव जीतना चाहते हैं तो ये चुनाव जीत करके कितना लूटेंगे उसका अंदाजा लगा लेंगे। तो ये लुटेरों की जमात है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये लुटेरों को से बचाना है, झारखंड को भी देश को भी बचाना है, इसलिए इन लोग आड़ खोज रहा है। अब क्या बोलेगा, ये जो मंत्री के यहां पैसा पकड़ाया, पीए के यहां चपरासी किया, ये क्या बोलेगा, कहां से आया ये पैसा, किसका पैसा है जरा बताए, जनता के बीच में बताए, ये बताने की स्थिति में नहीं है। इसलिए आज आखिरी दिन यहां प्रचार का आज अंत हो रहा है, ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग सब कमाल का इतिहास को बरकरार रखते हुए जैसे हम सब ने पिछले बार इतिहास बनाया, इतिहास को नया इतिहास में बदलेंगे, तमाम की जनता का यह संकल्प है,
ये हम लोगों को दोहराना है। ये जीत हमारी जीत नहीं है, ये जीत तमाड़ की जीत है। तमाड़ की जनता जीतेगी, तमाड़ की जनता का जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, आसू गठबंधन की जीत होगी और नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं ये लोग चुनाव तो लड़ रहे हैं लेकिन किसको प्रधानमंत्री बनाएंगे, किसको बनाएंगे लोग प्रधानमंत्री जो वोट मांगने आ रहा है, जो जो कोरोना के समय में सुई लेने से मना कर रहा था, वैक्सीन लेने से बोला मर जाएगा, तो आप लोग सुई लिए हैं कि नहीं, जरा हाथ उठाइए सर, हाथ उठाइए, कौन कौन लिए हैं, सब लिए हैं, देखिए मीडिया के भाइयों सब लिए हैं, देख लीजिए सब लिए हैं। ये राहुल बाबा, राहुल गांधी क्या बोल रहा था, सुई मत लेना नहीं तुम मर जाओगे, बड़ा बड़ा पर्चा निकाला था कि नहीं, कागज गांव घरों में बांट रहा था कि नहीं। अच्छा अगर सुई लेने से सब मर जाता तो यहां सब भूत लोग बैठा है क्या, ये झूठा, ये मक्कारी, ये धोखेबाजी, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये चालबाजी, ये लूटखोरी, ये देश के लोगों के साथ बेईमानी, इस तरह से आप देश चलाएंगे, इस तरह से आप देश का नेतृत्व करेंगे, सही बात जनता को बताइए, सही तरीके से बताइए। आज इस क्षेत्र के सरल सहज लोगों के बीच में गलतफहमी पैदा करके वोट की राजनीति करना चाहते, तरह तरह का बात कहना चाहते। भारतीय जनता पार्टी ईमानदार निष्ठा के साथ जनता का सेवा कर रही है और करते रहेगी। जिस तरीके से कोविड का वैक्सीन यहाँ के साइंटिस्टों ने बना करके अपने माँ बहनों भाइयों तक पहुंचाया, उसी समय में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि किसी का घर का चूल्हा बंद होना नहीं चाहिए, हर घर में फ्री राशन पहुंचना चाहिए और सबके यहाँ राशन पहुंचाने का काम शुरू हुआ। ये गरीब का गरीब के घर में जब राशन पहुंचता है तो इसको कष्ट होता है क्योंकि उसको रोते देखना मजा आता है, इसलिए 7 साल से ऐसे ही शासन किया कि कैसे हम धोखा देते रहे वो उसी तरीके से हमको वोट देता रहे, हम जो भी बात बताए वो सच मान ले और हमको वोट मिले, हम जीते और अपना सरकार चले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी, एनडीए गठबंधन ऐसा बातों पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि हर गरीब तक सुविधा पहुंचना चाहिए और इसलिए हर गरीब तक शौचालय पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास पहुंचे, अनाज पहुंचे, गैस का कनेक्शन पहुंचे और इस बार संकल्प लिया है कि जिसका घर नहीं बना है उसका घर हम बनाएंगे, ये मोदी की गारंटी है। जिसके यहां पक्का मकान नहीं बना पक्का मकान बनाएंगे, जिसके यहां उज्ज्वला योजना नहीं पहुंचा उज्ज्वला योजना पहुंचाएंगे, जिसके यहां शौचालय नहीं पहुंचा उसके यहां शौचालय पहुंचाएंगे और गांव, गरीब, किसान, माताएं, बहने, देश के तमाम नागरिकों को हमारी जिम्मेदारी है प्रधान सेवक के रूप में सेवा करना और वो सेवा बरकरार रहेगा। तो एक तरफ सेवा और समर्पण के साथ पूरा देश को मोदी के परिवार के रूप में फैसला करते हुए आप तक पहुंचने का काम किया, तो ये बाकी सारे लोग पैसा कहाँ कहाँ घुसा घुसा के रख रहा है पता है तो पकड़ा रहा है, एको के पास 350 करोड़ रुपया पकड़ाया, एको के पास में 33 करोड़ पकड़ाया, एको के पास में 5 करोड़ पकड़ाया और अभी मोदी ने संकल्प लिया है कि जो भी देश का पैसा इस तरीके से करेगा उसके ऊपर में जरूर जांच होना चाहिए। आज वो जांच होता रहेगा और कार्रवाई होते रहेगी क्योंकि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा का लूट देश में हम होने नहीं देंगे, ये भी मोदी की गारंटी है। तो मैं तमाड़ की जनता से यही निवेदन करूंगा
कि आप सब 13 तारीख को वोट देने के लिए जाइए अपने अपने बूथों पर, सुबह सुबह जाइए, अपना मत डालिए, अपना वोट डालिए, और इस बात के साथ डालिए कि हमारा वोट हमारा घर हमारा समाज अपना गांव अपना देश और इस देश को सुरक्षित रखने के लिए वोट, ये वोट इस देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश का भविष्य बनाने के लिए, इस देश के लोग मजबूत होंगे तो हमारा घर हमारा परिवार मजबूत होगा, हर किसी को शिक्षा हर किसी को स्वास्थ्य की सुविधा अच्छे ढंग से मिले, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। और मैं तमाड़ की जनता से कहना चाहता हूं कि आपकी वर्षों पुरानी जो इच्छा है टाटा से रांची रेलवे लाइन का काम 2024 और 2029 के बीच में होगा, हर गरीब के लिए साधन अच्छा उपलब्ध हो ये सुनिश्चित होगा, तो ये एरिया कृषि क्षेत्र के लिए जितना जरूरत है, कृषि क्षेत्र के लिए विकसित करने के लिए जितना चीज जरूरत है वो सारी चीजें तमाड़ में उपलब्ध होगा, ये मोदी की गारंटी है। इस बात के लिए हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। अब बहुत देर हो गया, आप हिंग गए हैं, बहुत ज्यादा भाषण देने का जरूरत नहीं है, अब आपको वोट के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, और वो 13 तारीख को आपका वोट कमल के निशान पर, हमारा वोट ये कह करके कि हमारा वोट सांसद ही नहीं, हमारा वोट देश का प्रधानमंत्री और देश का भविष्य बनाता है, इसलिए हम वोट दे रहे हैं। इस संकल्प के साथ आप सब लोग मतदान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मेरे कुछ मित्र बिजली अचानक कड़क गया, उसका थोड़ा झटका लगा, हॉस्पिटल लेके गए, हम वहाँ जा रहे हैं, आप सब लोग भी अधिंग गए हैं, इसलिए आप लोग वापस जाइए। और आज है शनिवार, आज है शनिवार और कल है रविवार, परसों है सोमवार, सोमवार सोमवार को जो जिस देवता को मानते हैं उसका नाम लेकर के देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन बनेगा, कौन बनेगा, उसके लिए भूल देने के लिए जाइए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके पानी को विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धोनी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए लेकिन एक सूचना है, आप तमाम भाइयों बहनों से कहना है कि जब हॉल में जाइएगा तो अकेले नहीं जाना है, पूरा परिवार के साथ जाना है। अगर एक घर में पांच परिवार है तो पांचों परिवार मिल के जाइएगा, अन्यथा रास्ते में कहीं ना कहीं एक वो वोट लुटा सकता है, इसलिए सभी को मिलकर जाना है। बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग को केंद्रीय मंत्री जी ने बताने काम किए। मैं इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर है और इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई विष्णुनाथ विष्णुपाल जी से आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करेंगे विष्णु माथो जी। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।